नागरिकता संशोधन विधेयक पर असम और त्रिपुरा में कुछ तत्व अपने उछल कूद से बाज नहीं आ रहे हैं। इनकी शरारतों की वजह से रेलवे ने असम और त्रिपुरा आने जाने वाली सभी यात्री ट्रेनों को निलंबित कर दिया है और लंबी ट्रेनों को गुवाहाटी में ही रोका जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में इंटरनेट सेवाएं शनिवार तक के लिए निलंबित कर दी है। तिनसुखिया, जोरहाट और डिब्रूगढ़ में बाजार बंद पड़े हुए हैं और चारों तरफ सन्नाटा व्याप्त है। त्रिपुरा की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। अब लगता यूं है कि इस कानून के राज्यसभा से पारित हो जाने के बाद उन सभी मुखौटाधारी लोगों का चेहरा सामने आ रहा है जिन्होंने इस देश को रद्दी का टोकरा बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। जिन जिन संगठनों ने यहां उत्पात मचाया है उनमें आला सब स्टूडेंट यूनियन सबसे ऊपर है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी उसके साथ खड़ी है। इन दोनों ही संगठनों का संबंध चीन और बांग्लादेशी घुसपैठियों से रहा है। इन संगठनों के नेता बांग्लादेशियों को सीमा पार कराकर असम में बसाने के धंधे से जुड़े रहे हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश से सीमा पार कराने पर प्रति व्यक्ति 3 से 5 हजार रुपए लिए जाते हैं, जिसके बाद यह नेता इन अवैध घुसपैठियों को भारत में लाकर उन्हें काम दिलाने के नाम पर भी मोटा कमीशन वसूलते थे। लेकिन नागरिकता संशोधन विधेयक ने इनकी दुकान पर ताले जड़ दिए हैं। इन्हें लग रहा है जो 57 लाख बांग्लादेशी मुसलमान असम में बसाए गए उनका वोट खत्म हो गया है, जिसके बाद विद्यार्थी संघों के नाम पर बने इन असामाजिक संगठनों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इन प्रदर्शनों में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में बांग्लादेशी मुसलमान सबसे आगे हैं। बड़ी बात यह है कि वामपंथी संगठनों और कांग्रेस ने भी यहां अपने कार्यकर्ताओं द्वारा असम को जलाने की कोशिश की है। असम में अव्यवस्था फैलाने के पीछे जिस नेता पर सबसे ज्यादा संदेह व्यक्त किया जा रहा है उसका नाम बदरुद्दीन अजमल है। यह नेता बांग्लादेशी मुसलमानों का सबसे बड़ा शुभचिंतक है। खास बात यह है कि असम भारत का एक ऐसा राज्य है जहां करीब 34% आबादी मुसलमानों की है। इस आबादी में असमिया मुसलमान और बांग्लादेश से आकर असम में बसे मुसलमान दोनों शामिल हैं। बदरुद्दीन की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट मुस्लिम मतों के सारे ही 2005 से बड़ी भूमिका में है। आज राज्य की 39 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम बड़ा रोल निभाते हैं। पिछले 2 दिनों से असम में चल रही इस कारस्तानी के पीछे इन्हीं मुसलमानों का हाथ है। इनमें बांग्लादेशी मुसलमानों को आगे करके पीछे से स्थानीय मुसलमान सारा दे रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता घर में बैठकर खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश में है, लेकिन इसके पीछे उसी वोट के मिट्टी में मिल जाने का डर भी है जिसकी वजह से असम की 39 सीटें मुस्लिम बाहुल्य बनी है। नागरिकता संशोधन बिल और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ऐसे ही घुसपैठियों को भगाने में एक बड़ा कदम है। माना जाता है कि इन कानूनों के आधार पर कार्रवाई का असर इन्हीं 39 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर पड़ने जा रहा है। दरअसल इन्हीं मुस्लिम सीटों से ग्रेटर बांग्लादेश की आवाज भी समय समय पर उठती रही है। यहाँ के हालात इतने खराब हैं, जिसको देखते हुए यहाँ से गैर मुस्लिमों का पलायन बहुत तेजी से हुआ है। यानी कभी बहुसंख्यक रहे हिंदू अब यहाँ अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इस क्षेत्र में कट्टरता और चरमपंथ बहुत तेजी से फैला है। मुस्लिमों ने बड़ी तेजी से अपनी आबादी बढ़ाकर यहाँ धार्मिक संतुलन बिगाड़कर स्थिति अपने पक्ष में कर ली है। जो छात्र संगठन असम में तोड़फोड़ कर रहे हैं उसमें AIUDF के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इनमें हिंदुओं की संख्या ना के बराबर है, बल्कि स्थानीय और बांग्लादेशी मुसलमानों का संगठित गिरोह असम में उत्पात मचा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनका मकसद बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत की सिटीजनशिप दिलाना है। इन गद मुसलमानों को लगता है कि बांग्लादेशियों को बचाने से उनकी राजनीतिक दुकान बची रह सकती है, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार का रुख अब बेहद सख्त हो गया है। सरकार ने इन असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 बड़े अधिकारियों के तबादले करने के बाद सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने आदेश जारी कर दिए हैं कि कोई भी देशद्रोही बचना नहीं चाहिए। केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों को असम में भेजकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, यानी एक भी घर बचकर नहीं जाना चाहिए। बदरुद्दीन अजमल को भी संदेश भिजवा दिया गया है कि वे अपने कुकुर मुत्तों पर नियंत्रण स्थापित करें।
अन्यथा उनका अंजाम भी कश्मीरी नेताओं वाला हो सकता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।